हेलो बच्चों, आप लोग सभी कैसे हो? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं ही आप लोगों का हिंदी थर्ड लैंग्वेज का क्लास 8 का क्लास लेने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाऊँगी जिसका नाम है तेनाली रामन, चैप्टर नंबर 17। इस चैप्टर में आपको तेनाली रामन के बारे में आप लोग को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि तेनाली रामन विजयनगर राज्य के राजा महाराज कृष्णदेव राव के राज्य में एक सम्मानित पद में थे और वे अपने बुद्धिमत्ता और चतुरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। लेकिन चूंकि वे काफ़ी बुद्धिमान थे और महाराज के बहुत ही विश्वसनीय दरबारी थे, इसलिए बाकी के जो दरबारी थे उनसे बहुत ही ईर्ष्या करते थे और वे उनके लिए उनको नीचा दिखाने के लिए वह षड्यंत्र करते हैं। तो एक दिन इसी तरह उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा गया जिससे वो किस तरह से निकलते हैं, यही मैं आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी। तो सभी अपना किताब निकालें। तो बच्चों, आप लोग सभी किताब निकाल पेज नंबर 122 निकालें। तो ये आप लोग का नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है तेनाली रामन, चैप्टर नंबर 17। तो इसमें देखिए क्या कहा गया। तेनाली रामन एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। वह राजा कृष्णदेव के दरबार में सम्मानित दरबारी था। दरबार में उसकी अच्छी स्थिति से अन्य दरबारी ईर्ष्या करते थे। वे उसके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र रचते रहते थे पर कभी भी सफल नहीं हो पाते थे। तो तेनाली रामन अपनी बुद्धि का प्रयोग कर हर संकट से बाहर निकल आते थे तथा उनका सम्मान और भी बढ़ जाता। तो इसमें जैसे दिखाया गया है कि तेनाली रामन एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे और राजा कृष्णदेव के दरबार में वह सम्मानित दरबारी थे और उनकी सबसे बड़ी उनके लिए मुसीबत ये थी कि बाकी के जो दरबारी थे राज्य के उनके उससे काफ़ी ईर्ष्या करते थे और उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र रचते थे। लेकिन वे अपनी बुद्धिमानी से और चतुरता से वह हर संकट से वह बाहर निकल आते थे और उनका सम्मान और भी बढ़ जाता था। तो इसी तरह वह एक दिन एक संकट में पड़ गए, उसी पर आधारित ये कहानी है। विजयनगर राज्य में कृष्णदेव राय का शासन था। उनका अपने पड़ोसी राज्य से मनमुटाव चल रहा था। उनके दरबार में तेनाली रामन का बड़ा आदर सम्मान था। अन्य दरबारी तेनाली रामन से चिढ़ते थे। तो विजयनगर राज्य में कृष्णदेव राय का शासन था और उनका अपने पड़ोसी राज्य से मनमुटाव चल रहा था और उन्हीं के दरबार में तेनाली रामन का बड़ा आदर सम्मान था और जिसके कारण अन्य दरबारी उनसे चिढ़ते थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने बगीचे में अकेले बैठकर पड़ोसी राज्य की समस्या पर सोच विचार कर रहे थे। तभी एक दरबारी उनके पास पहुंचा। वह इधर उधर झांककर राजा के कान के पास जाकर बोला, महाराज कुछ सुना आपने? तो एक दिन राजा कृष्णदेव राव अपने बगीचे में बैठे के अपने पड़ोसी राज्य की समस्या का सोच विचार कर रहे थे। तभी एक दरबारी उनके पास आके इधर आया और वो उधर उधर देख के उनके कान में कुछ बोला, नहीं तो क्या हुआ? फिर राजा चौके, नहीं तो क्या हुआ? महाराज जान बख्श देने का वचन दे तो कुछ कहूँ। फिर उसने क्या कहा कि अगर आप मेरी जान बख्श देंगे तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो भी कहना है बिना डरे कहो, किसी से डरने की कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने क्या कहा, जो भी कहना है वो बिना डरे कहो, तुम्हें इससे कोई डरने की कोई बात नहीं है। महाराज तेनाली रामन पड़ोसी राजा से मिले हुए हैं। वे हमारे पड़ोसी राजा के साथ संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। वो क्या कहता है कि महाराज तेनाली रामन पड़ोसी राजा से मिले हुए हैं और वो हमारा संबंध उनसे बिगाड़ना चाहते हैं। क्या बकते हो? राजा गरज कर बोला। फिर राजा काफ़ी क्रोधित होकर कहा कि ये तुम क्या बोल रहे हो। फिर नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 123। तो मैं तो पहले ही समझ गया था महाराज, तेनाली रामन ने आपके ऊपर ऐसा जादू कर रखा है कि आप उसके विरुद्ध शिकायत सुन ही नहीं सकते। तो फिर उसने क्या कहा कि मैं तो पहले ही जानता था कि आप तेनाली रामन आप पर ऐसा जादू कर रखा कि आप उसके विरुद्ध कुछ भी सुनना नहीं चाहेंगे। तेनाली रामन राज्य का सच्चा वफादार है, वो कभी राजद्रोह नहीं कर सकता। फिर महाराज ने क्या कहा कि वो तेनाली रामन राज्य का सच्चा वफादार है, वो कभी राजद्रोह नहीं कर सकता। तुम्हें कहीं से अवश्य गलत सूचना मिली है, राजा ने उसे दरबारी से कहा। राजा ने तेनाली राम पर विश्वास रखते हुए कहा कि तुम्हें वो राज्य का एक बहुत ही वफादार दरबारी है, तुम्हें ये सूचना कहीं से गलत मिला है, कहीं से अवश्य गलत सूचना मिली है। राजा ने कहा,
महाराज आपको जितना विश्वास तेनाली रामन की सच्चाई पर है उससे कहीं अधिक विश्वास मुझे अपनी इस सूचना पर है। क्योंकि उसने क्या कहा कि महाराज आपको जितना विश्वास तेनाली रामन पर है मुझे उसे कहीं अधिक विश्वास इस सूचना पर है। पूरी जांच परख के बाद ही मैंने आप तक यह सूचना पहुंचाई है। तो उसने क्या कहा, मैंने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आप तक मैंने ये सूचना पहुंचाई है। जब दरबारी ने इतना जोर देकर अपनी बात कही तो राजा को भी कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ा। फिर राजा भी सोच में पड़ गए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बात की जांच करूंगा। यदि तेनाली रामन दोषी पाया गया तो उसे अवश्य ही कठोर दंड दिया जाएगा। फिर राजा ने सोच विचार के कहा कि अगर वो सचमुच दोषी पाया गया तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। दूसरे दिन कृष्णदेव राय ने तेनाली रामन को दरबार में बुलवाया और कहा, तेनाली रामन हमें सूचना मिली है कि तुम हमारे शत्रु राजा से। फिर दूसरे दिन कृष्णदेव राय ने तेनाली रामन को दरबार में बुलाया और कहा कि तेनाली रामन एक सूचना मिली है कि तुम शत्रु राजा से। फिर है पेज आप लोग 124 निकाले कि तुम शत्रु राजा के साथ मिलकर हमारे विजयनगर राज्य को दूसरे के अधीन करना चाहते हो। फिर उन्होंने कहा कि तुम शत्रु राज्य के साथ मिलकर हमारे विजयनगर राज्य को दूसरे के अधीन करना चाहते हो। तेनाली रामन ने अपने ऊपर लगा यह आरोप सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर तेनाली रामन ने अपने ऊपर जब यह आरोप सुना तो उसे काफ़ी दुख हुआ। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वह राजा की इस बात का क्या उत्तर दे। फिर तेनाली रामन ने जब अपने ऊपर ये आरोप सुना तो उसे काफ़ी दुख हुआ। उनसे इतना अधिक दुख हुआ कि उसे समझ में आया कि उसका क्या उत्तर दे। राजा ने जब तेनाली रामन को चुप देखा तो वह गुस्से से भभक उठे और बोले। जब तेनाली रामन ने राजा को चुप देखा वह काफ़ी क्रोधित हुए और भभक उठे। तो तुम्हारे चुप रहने का यही अर्थ लगाया जाए कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। फिर जब तेनाली रामन काफ़ी समय तक चुप रहे तो फिर राजा ने यही कहा कि तुम्हारे चुप रहने का यही अर्थ निकाला जाए कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। तो आज मैं आप लोगों को यहीं तक पढ़ाऊंगी। इसके बाकी का अध्याय मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए इसमें कुछ जीवन मूल्य दिए हुए हैं। पहला है आपका किसी के विरुद्ध षड्यंत्र ना करना। तो इसमें जैसे दिखाया गया है कि तेनाली रामन के विरुद्ध उसके बाकी के दरबारी काफ़ी षड्यंत्र करते थे, उन्हें नीचे दिखाने के लिए वे कोई नया नया जाल बुनते थे। फिर है आपका दूसरा है आपका राज्य के प्रति वफादारी। तो इसमें तेनाली रामन पर राजा को इतना अधिक विश्वास था, वो इतना अधिक विश्वसनीय दरबारी थे और वफादार थे कि राजा को कोई उसके खिलाफ कोई कुछ भी कोई षड्यंत्र भी रचता है, कोई बोल भी देता है तो राजा उसके बात पर विश्वास नहीं करता है। तो यानी इसमें वफादारी को दर्शा। कुछ इसमें देखिए शब्दार्थ भी हैं, जैसे हैं आपका शब्दार्थ आदर सम्मान। तो इज्जत आदर सम्मान का क्या होता है अर्थ, इज्जत देना। विरुद्ध यानी खिलाफ, विश्वास यानी भरोसा, दंड सजा, ठीक है। तो अपराध दोष, तो ये मैं आपको आज यहीं तक बताती हूँ। तो आप लोग को इस तरह से शब्दार्थ आप लोग को याद करना है। किताब में अगर और भी कहीं आपको कोई शब्दों का असमझ में ना आए तो उसका भी अर्थ आप पूछ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग को आज का ये क्लास का जितना भी मैंने आपको जहाँ तक भी कहानी पढ़ा है वो आप लोग को समझ में आ गया है। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।